नियत ही खराब है। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोगों का डबल इंजन का सरकार था, पहले क्यों नहीं जाति आधारित गिनना हुआ? लोग केवल डील करना जानती है, उस डीलिंग के बावजूद में क्या क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग मैटर। आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआ छूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। बिहार सरकार की नियत में खोट है और तभी तो वो जातीय जनगणना को आगे रूप नहीं दे पा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव आज पूरी तरीके से बिहार सरकार के ऊपर हमलावर दिखे। अपने आवास पे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार को के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने पिछले 17 महीनों के कार्यकाल में जातीय जनगणना जैसे बड़े विषय को लेकर चुना और पूरे बिहार में जातीय जनगणना कराई, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिला। वहीं बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें डील करते हुए जेडीयू के साथ एक नया षड्यंत्र रचा और अब जातीय जनगणना ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव अपने अंदाज में, आइए हम आपको उस वीडियो पर छोड़े जाते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे। किस वजह से आखिर ये नहीं शामिल हो पा रहा है? नियत ही खराब है। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोगों का डबल इंजन का सरकार था, पहले क्यों नहीं जाति आधारित गिनना हुआ? आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया? राष्ट्रीय जनता दल आई 17 महीने में, करके दिखाया, और करके ही नहीं दिखाया, जब चले जाने के बाद इसको फंसा दिया गया। अब क्या डर है नहीं डर है, ईमानदारी से तो जांच हो तो बहुत मामले खुलेंगे, लेकिन अब अंदर उन लोगों के क्या चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि भाई लोग तो डील वाली पार्टी है, ये लोग केवल डील करना जानती है। उस डीलिंग के बावजूद में क्या क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग मैटर है। देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ही ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है, आरक्षण जो दलितों को आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे है, ये आया कहाँ से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है, वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको, क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है, सबके पास है आंकड़ा, सबके सामने सार्वजनिक है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव भी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता, जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआ छूत, कोई जो है अनुसूचित जाति
और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। उसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता, जब केंद्र सरकार SC ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि NDA की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए।